पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर ने कहा है कि वो अपनी पुराने पति गुलाम हैदर के पास वापस नहीं जाएंगी। सीमा हैदर का कहना है कि वो उसका पुराना पति से तलाक ले चुकी हैं और वो हलाला करके वापस जाएं ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सीमा हैदर का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि पाकिस्तानी को लोगों को ये दिक्कत है कि उनका धर्म बदल गया है। सीमा हैदर ने ये बात ऐसे समय पर कही है जब गुलाम हैदर अपने बच्चों को वापस ले जाने के लिए भारत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में पहले पति के पास वापस जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए सीमा हैदर बोली कि मेरा ज़मीर नहीं मानेगा, मेरा तलाक हो चुका है, तलाक देकर फिर हलाला करके फिर उसके पास जाऊं ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा तलाक हो चुका है, तलाक हो गया है तो बिना हलाला कैसे रखेगा। सीमा ने कहा कि उसके और गुलाम हैदर में लंबे समय से संबंध नहीं है और इस लिहाज से भी उन दोनों का तलाक माना जा सकता है। उसने कहा कि वो जहाँ तक मैंने पाकिस्तान में मुल्लाओं के मुँह से सुना है कि 6 महीने यदि पति पत्नी रिलेशन में ना रहें तो उनका अपने आप तलाक मान लिया जाता है, हमारा तो तलाक वैसे भी हो गया था। सचिन के साथ मेरी शादी हो चुकी है, हमने 7 फेरे लिए हैं, हमने एनिवर्सरी पर दोबारा शादी की, वो भी पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ। मेरे भाई वकील AP सिंह ने मेरा कन्यादान किया है और मेरी शादी हो चुकी है। सीमा ने कहा कि उसे पाकिस्तानी लोग वीडियोस पर कमेंट्स करके वापस आने को कहते हैं। 1 साल से अधिक समय से नोएडा में प्रेमी सचिन मीना के घर रह रही सीमा हैदर ने कहा कि अब वो बोल रहे हैं, बहका रहे हैं, उनको दिक्कत है मेरे सनातन धर्म से, लेकिन मैं हिंदू धर्म में खो चुकी हूँ, कह रहे हैं तौबा करके वापस आ जाओ, अल्लाह के पास लौट आओ। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम, राधे राधे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।